हेलो स्टूडेंट्स, होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, जो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम उसके टर्म को समझते हैं कि इसमें हम क्या फर्दर स्टडी क्या करने जा रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, अगर हम डेफिनेशन के थ्रू बात करें, तो एक ब्रांच है ये फिजिकल केमिस्ट्री का। इसमें होता क्या है, कि अपन फर्दर क्या स्टडी करते हैं, तो अपन स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन आपका फर्दर हो रहा है, सपोज करिए कि ए प्लस बी रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके कोई अगर प्रोडक्ट सी बनाते हैं, तो हमें अगर फाइंड आउट करना है कि ये जो रिएक्शन बना है उसका टाइम इंस्टेंट कितने टाइम में क्रिएट हुआ है, आखिर इसका रेट क्या है, तो उस रेट को जानने के लिए ये हमें कौन बताएगा, तो ये हमें पता चलेगा। ये हम स्टडी किससे किसके हेल्प से करते हैं, तो आपका केमिकल काइनेटिक्स के हेल्प से करते हैं। ये फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, इसको और अपन एक्सपेंड करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये टर्म क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगर सपोज करिए कि अगर ए प्लस बी सी में फॉर्म कर रहा होगा, तो होप सो कि जब ये रिएक्शन फॉर्म हो रहा होगा तो उस टाइम पे इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, इसको फॉर्म करने के लिए क्या टेम्परेचर क्या दिया गया होगा, सराउंडिंग्स बेसिकली सराउंडिंग कंडीशंस क्या होंगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे मैं रिएक्शन को जब अपन कंप्लीट कराते हैं तो एक टर्म आता है कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं अपन। तो कैसा कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, अपन आगे स्टडी करेंगे कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि आपका रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। पॉजिटिव और निगेटिव कैटलिस्ट दो होते हैं, अभी अपन आगे स्टडी करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि कैटलिस्ट क्या करता है कि आपके रिएक्शन के रेट को फर्दर या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो सेकेंड जो टर्म है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें क्या है कि इसके इस रिएक्शन को करने के दौरान कौन कौन से जो अफेक्ट करेंगे, बेसिकली रिएक्शन को कौन कौन से टर्म्स जो है इस रिएक्शन को करने में इफेक्ट करेंगे, वो आपका टर्म हुआ। जैसे कि हम फर्दर नॉर्मल लाइफ से अगर एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम कंपेयर करना चाहें तो बहुत लोग को पसंद होगा चिकन और बहुत लोगों को पसंद होता है मटन। अब मैं इनसे समझाना चाहूँगा आपको कि बेसिकली ये टर्म है क्या, बहुत लोगों ने इसे बनाया होगा अपने घरों पे। तो होता क्या है, जब अगर हम चिकन को फॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम में चिकन का पकने का जो टाइम होता है ना, वो कम होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा चिकन जो काफ़ी जल्दी पक जाता है, तो इसका जो टाइम है क्या होगा, लेस होगा, और ये टाइम क्या लेता है, ज़्यादा लेता है। तो इस टर्म से हम क्या समझ सकते हैं कि चिकन को पकने में टाइम कम लग रहा है, मटन को ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि चिकन का जो रेट है वो हाई है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, मटन के। मटन के पकने के रेट से चिकन का पकने का रेट जो है वो हाई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चिकन जल्दी बन जाएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें, अगर हम रिएक्शन अगर एक्स अगर फॉर्म कर रहा है, कोई कंपाउंड ए को क्रिएट कर रहा है, और अगर मान लीजिए वाई है और कोई कंपाउंड बी को क्रिएट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक्स ए को जल्दी बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, बी से, तो ये आपका हो गया टर्म किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। सेकेंड हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम चिकन या मटन को पका रहे होंगे तो उस टाइम पे हम ऑब्वियसली बात है कि इसको हम फ्लेम पे रखे होंगे, मतलब कि गैस खींचे फ्लेम को बढ़ाया घटा रहे होंगे। तो अगर हम फ्लेम को अगर हम हाई रखेंगे तो ये चिकन या मटन क्या होगा, जल्दी से पक जाएगा। अगर हम बहुत कम रखेंगे, वेरी वेरी लो रखेंगे, तो क्या होगा, इसे पकने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस ये टर्म क्या दिखा रहा है कि अगर ये इस रिएक्शन को होने में कौन इफेक्ट करेगा, फ्लेम इफेक्ट करेगा। अगर फ्लेम अगर हम ज़्यादा रख रहे हैं तो चिकन या मटन इजी वे में जल्दी से पक जा रहा है, अगर कम रख रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा है। तो ये इफेक्ट कर रहा है रिएक्शन को, ऑब्वियसली बात है कि रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, तो टेम्परेचर कर रहा है। तो ये दो टर्म थे जिसे हम नॉर्मल लाइफ से हम भी समझ सकते हैं, इसको हम और फर्दर एक्सपेंड करेंगे। तो काफ़ी सारे टर्म्स को समझने के बाद हम फर्दर मूव करते हैं इसके डिफिनेशन की ओर, जो कि मैंने यहाँ आपको ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इसका डिफिनेशन क्या होगा केमिकल काइनेटिक्स का, तो इसमें बोला गया है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो कि आपका डील करता है विद द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ
किसके किससे डील करता है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन से, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन को करने में कौन कौन से चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगे और उनके मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म क्या है कि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप समझना चाहोगे तो कोई भी कंपाउंड अगर हम फैक्ट्री में फॉर्म करते हैं ना, तो फर्दर ऐसा नहीं होता कि आप ए से तुरंत आपको कंपाउंड मिल जाए, डायरेक्ट नहीं होता। उसमें होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े कंपनी में करते क्या है कि पहले ए से कोई बी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, बी से फिर फर्दर सी को फॉर्म करते हैं, सी से फिर कुछ डी से रिएक्ट करने के बाद हमारा फाइनली कंपाउंड बनता है। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो होता क्या है कि ये जो बोल रहा है कि एंड देयर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब उस रिएक्शन को, उस रिएक्शन से जो कंपाउंड को फॉर्म करने में कौन कौन सा मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी है, वो भी आप किससे द्वारा, किससे डील कर सकते हैं, आप केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू डील कर सकते हैं।